तो और क्या चल रहा है भाई लोग, क्या चल रहा है, चलता रहेगा, बढ़ते हैं कि तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी, क्योंकि भाई आपके वाइट वाले मोबाइल के अंदर बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, तो आज की जो वीडियो होने वाली है, क्योंकि हमारे वाइट वाले मोबाइल के अंदर एक और अपडेट रोल आउट कर दिया गया है भाई, जो कि वाकई में एक दमदार बात है, वो आपको बताना चाहूंगा भाई। जस्ट मैं अभी अभी मैंने देखा, मैंने सुबह से फोन को नहीं देखा था क्योंकि मेरा फोन साइड में रखा हुआ था, तो मैंने देखा कि इसके अंदर अपडेट रोल आउट हो चुका है हमारे वाइट वाले मोबाइल के अंदर, जो 6.72.0 वर्जन का अपडेट रोल आउट हो चुका है, जो कि वाकई में दमदार बात है। उस अपडेट का साइज है 1.66.36 MB, जो कि भाई काफी अच्छी बात है। इस अपडेट के चेंज लॉग के अंदर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, पूरी वीडियो वॉच करना। पावर कंजप्शन भाई ऑप्टिमाइज स्टैंड पावर कंजप्शन इन सम इंप्रूवमेंट द बैटरी लाइफ, भाई बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई, तो है ना भाई काफी मजेदार बात। और बात की जाए भाई मार्च की सिक्योरिटी पैच आपके डिवाइसेस के लिए कर दिए गए हैं, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और बात अगर की जाए भाई टच की इंप्रूवमेंट की और लैगिंग की इशू की, सारा सॉल्व हो चुका है, तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मैं फटाफट से डाउनलोड कर लेता हूं इस अपडेट को और फिर कंटिन्यू आपको वीडियो में दिखाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर आपके भाई ने अपडेट को लगा रखा है डाउनलोडिंग पर, देख सकते हैं आप यहां पर अभी मेरा 33% डाउनलोड हो चुका है, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर 6.72.0 वर्जन का अपडेट है, 166.36 MB का अपडेट है भाई हमारे वाइट वाले मोबाइल के लिए, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। तो चलिए थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, यहां पर भाई पावर कंजप्शन ऑप्टिमाइजेशन कर दी गई है आपकी बैटरी इंप्रूवमेंट को, बैटरी लाइफ इंप्रूवमेंट ऑप्टिमाइजेशन की गई है, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और बात की जाए पैचेस लेवल की भाई, मतलब मार्च गूगल सिक्योरिटी पैच आपको मिल चुके हैं, जिसके अंदर आपको ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी एंड भाई स्मूथनेस, डिवाइस अब लैग नहीं होगा ऐसा मानना है। इंस्टॉल हम अपडेट को करेंगे फिर देखते हैं भाई कितने अपडेट के अंदर कितना दम है, तो प्लीज वीडियो पूरा वॉच करते रहना भाई। मैं कल यहां पर वीडियो को स्किप करता हूं, उसके बाद कंटिन्यू आपको वीडियो दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स देखा आप अपडेट इंस्टॉल हो रहा है हमारे डिवाइस के अंदर, तो इसलिए थोड़ा वीडियो को मैं स्किप कर देता हूं ताकि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख सकते हैं यहां पर ब्लैक स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन में टेक अ वाइल मिनट, यहां पर जस्ट टाइम, पिछले अपडेट के अंदर थोड़ा सा मुझे टाइम लगा था जो अपडेट रोल आउट किया था 55 वर्जन का, तो अब यहां पर थोड़ा सा टाइम इसके अंदर भी लगेगा, बाकी कोई इश्यू नहीं है, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वीडियो को करते हैं कंटिन्यू भाई, प्लीज वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, आपके एक सब्सक्राइबर से आपके भाई को काफी अच्छी मोटिवेशन मिलता है। बाकी कुछ नहीं भाई, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, वीडियो को लाइक करना भी फ्री होता है, आपके लिए आपका भाई हरदम तैयार है। तो आप देख सकते हैं डिवाइस अब बूट हो चुका है, अब कंटिन्यू करेंगे वीडियो को, जस्ट वेट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं डिवाइस मेरा ऑन हो चुका है, और यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप मॉडल नंबर देख सकते हो 1904, जो कि वीवो वाई ट्वेल्व मोबाइल है, एंड्रॉइड 11 हमारे को रोल आउट मिला था। और भाई बात की जाए भाई पैचेस की, जो कि मार्च के कर दिए गए हैं, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। बाकी बात की जाए भाई डिवाइस की, तो वो तो हम यूज करेंगे डिवाइस को, तब हमें पता लगेगा कि क्या क्या हमारे डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व की गई हैं। तो यहां पर मैं सिस्टम अपडेट को आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जो वर्जन मेरा इंस्टॉल हुआ है वो एंड्रॉइड 11 है, जो कि 8.6.72.0 का वर्जन है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसकी बात करें चेंज लॉक की, तो जस्ट फ्रेंड आप देख सकते हैं यहां पर ये अपडेटिंग चेंज लॉक है, तो यहां पर चेंज लॉक पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है भाई पावर कंजप्शन सबसे मेन प्रॉब्लम थी हमारे डिवाइस के अंदर, बैटरी भाई प्रॉब्लम, ड्रेनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी भाई, पूछो मत, हर चीज के अंदर बैटरी हमारी फटाफट से ड्रेन हो रही थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्टिमाइजेशन की गई है बैटरी को, यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा गया है कि आपकी बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डिवाइस को यूज भी करेंगे, चेक भी करेंगे, क्योंकि अभी एकदम से वीडियो के अंदर बैटरी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं पता लगेगी। जब मैं डिवाइस को यूज करूंगा, जब अगली कोई वीडियो बनाऊंगा, तब आपको मैं बता दूंगा कि बैटरी की ड्रेनिंग की प्रॉब्लम टोटली सॉल्व हो चुकी है, यहां पर लिखा गया है बैटरी इंप्रूवमेंट। बात की जाए भाई ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी की इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा की गई है, ऐसा जिनका कहना है। तो देखिए अब यहां पर बात की जाए नॉर्मल वे के अंदर, अगर मैं डिवाइस को यूज करता हूं, जो कि काफी अच्छा स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी भाई लैगिंग की, ये आपके भाई का वादा है। बाकी आप एक बात कर लेना अपडेट इंस्टॉल करने के बाद, कैचेस को इंप्रूवमेंट की क्लियर कर लेना, ताकि जितने भी कैचेस हैं अपडेट के वो सारे सॉल्व हो जाए, कोई दिक्कत आपको ना हो। बाकी डिवाइस के अंदर कोई नया फीचर ऐड नहीं किया गया फिलहाल, जो प्रॉब्लम थी आपकी उसको सॉल्व किया गया है। हाँ मैं बोलता हूं **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 
दो,
जो कि कोड के थ्रू सेंड करते हो आप, वो कर दो, उसकी वीडियो बना रखी है, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, हर चीज का सोल्यूशन आपको बहुत ही जल्दी मिल सके, कोई दिक्कत ना हो। बाकी बात की जाए भाई, यहां पर काफी अच्छी इंप्रूवमेंट लग रही है डिवाइस की, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काफी अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप चला सकते हो, कोई अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए भाई ओपनिंग की, एप्लीकेशन ओपनिंग की, क्या उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट हुई है, तो हाँ यहां पर देख सकते हैं, जैसे मैं सेटिंग ओपन करता हूं एंड देन सारी एप्स को आपको ओपन करके दिखा देता हूं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो और कोई इशू भी नहीं हो। बात भाई प्रॉब्लम आ रही थी पबजी के अंदर लैग की, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, वेट कीजिए, अगर अपडेट के अंदर वो सॉल्व हो गई होगी तो काफी अच्छी बात है, अदरवाइज उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं बहुत ही जल्द। बाकी कोई नया फीचर ऐड नहीं किया गया, नॉर्मल में आपका अपडेट इंस्टॉल हुआ, बैटरी की सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। एक बार आप अपने डिवाइस को चेक जरूर कीजिए अपडेट इंस्टॉल करने के बाद, अगर आपको अभी तक ये 6.72.0 वर्जन का अपडेट नहीं मिला तो बहुत ही जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, वेट आप कर लो भाई। बाकी मैं डिवाइस को यूज करके देखूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कितनी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है। टच की इंप्रूवमेंट की बात भाई एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं, सारी ऐप आपकी तुरंत से ओपन हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, वन क्लिक करते ही आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी, कोई एरर आपको नहीं होगा। स्मूथनेस की बात की जाए, स्मूथनेस काफी अच्छी है, कोई लैग इशू नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हैं नहीं, पहले काफी ज्यादा लैग मिल रहा था एप्लीकेशंस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, अब काफी अच्छे से वर्क कर रही है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।